नहीं जानते। सुना पप्पू किधर जा रहा है? घर जा रहा हूँ सौदा लेके। घर तो रोज ही जाता है, इधर आते ये चीज दिखाऊंगा। उठ बैठ। अम्मो लटका आके बैठा, खुश हो जा, बब्बर शाह बन गया है तू। बल्कि नहीं, बब्बर शाह बन गई है तू। ये सारे लौंडे ना बाहर जाके कहते हैं हमें बब्बर शाह ने भेजा है, मंथली कड्डो। फिर ये सारे कारोबारी और तनख्वाहदार लोग ऐसे करके पैसे देते हैं। ले जाऊंगा तुझे भी कभी, जाके देखना कितनी दहशत बिठाई गई तेरी ने। नहीं चाहिए मुझे ये दहशत, नहीं बनना मैंने ये बब्बर शाह। क्या मिला है मुझे बब्बर शाह बनके? बब्बर शाह बनके भी मैं तुम्हारे इशारों पे नाच रही हूँ। वो तो तेरे अपने शौक है नाचने, है कि नहीं? तुमने तो कहा था कि लाली तेरे पास मौका है इस दुनिया से बदला लेने का। ये कौन सा बदला ले रही हूं मैं? ये कैसा बदला है? रोज अंदर ही अंदर से मैं खुद ही जल रही हूं। चीखों की आवाजें आती है मुझे, रोने वाली शक्लें नजर आती है। नहीं लेना है मुझे बदला, तो बर्षा बन के मैं इस्तेमाल ही हो रही हूं। हाँ तो खुश हो जा के इस्तेमाल हो रही है। मैं ना तुझे ना सच्ची बात बताता हूं, बहुत जल्दी मैं ये गंदा कूड़ादान जीवन नगर छोड़ के दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर समंदर के किनारे। तुझे और तेरे चेलों को भी साथ ले जाऊंगा, वो पार्टी करेंगे वहां जाके। मेरा ना एक ख्वाब है, समंदर के किनारे एक बड़ी सी कोठी हो। कोठी अभी बनी नहीं है तो पहले ही गिरना शुरू हो गई है। मेरा एक और ख्वाब भी है, मेरा अपना एक टाइटैनिक भी हो। उस टाइटैनिक पे हम रोज मछलियां पकड़ने जाएंगे, एकदम फ्रेश बड़ी वाली मछली, शार्क। ये शार्क मछली बड़ा खाते हैं ना, हलाल होती है क्या हराम? बड़ा फिक्र है तुझे हलाल हराम का। शार्क इतना बड़ा मुंह होता है उसका, घूम के तुमने उसके मुंह में गिर जाने। हाँ वही बड़े मुंह वाली। फिर जब मेरा अपना टाइटैनिक होगा ना, फिर मैंने ये सारे बुरे काम छोड़ देने। डूब भी गया था टाइटैनिक, इतना पप्पू हीरो भी बीच में डूब गया। अच्छा, पर मैं तो नवा बनवाऊंगा ना, वो नहीं डूबेगा। फिर ना ऐसे जाके ना आगे खड़े हो जाएंगे। तू भी आना। ओया तो नहीं, हीरोइन अगे थी ना, अगे ला। फिर ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े। लो डूब गया ना टाइटैनिक, उठ नारोवाल के डी कैप्रियो। अलाली तू सोफे में बैठ, मैं तेरा स्केच बनाऊंगा। अल्लाह क्या हो गया है मेरे बच्चे को, मेरे पुत्र को क्या हो गया? को देखे आके बचाए थे अल्लाह ने। हाय अल्लाह क्या हो गया? बब्बर पुत्र, बब्बर पुत्र, बब्बर शाजी, बच्चा शाजी। हाँ तेरे बच्चे को क्या हो गया? तेरे पप्पू को, तेरे पप्पू को क्या हो गया? देख तो पानी पे क्या, देख मेरा पुत्र, देख, देख, देख।
अपने बचा ले, अपने बेटे को बचा ले, अपने बेटे को बचा ले। तुम बीपीओ ऑपरेटर्स वहां से लेके आओ, इसके ये कर दो तेज जरा। हाँ जी बिल्ले भाई। हाँ चीते, क्या हालात है वहां के? कुछ नहीं, डॉक्टर अंदर लेकर गए हैं, इलाज छलाज कर रहे हैं और हम सब लोग बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हिलना नहीं है वहां से, सब पे नजर रखनी है और जो भी वहां हो ना मुझे रिपोर्ट करनी। ठीक है? ठीक है बिल्ले भाई। शाबाश, खुदा हाफिज। देख रफीक पा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे अलावा ये सारे नंबर किसी के पास नहीं होते। सच सच बता दे, किसको दिए नंबर? बिल्ले भाई, कसम से मैंने किसी को नहीं दिए, मुझे कुछ पता नहीं। मेरा यकीन करे, मैं आपका वफादार हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं ऐसा क्यों करूँगा बिल्ले भाई? मुझे भला, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो मौत का मासी को हूँ। मैंने अपनी दुकान में कोना कोना जो उलट पुलट के रख दिया है, मगर वो रजिस्टर मुझे कहीं नहीं मिला जिस पर सारे नंबर्स लिखे हुए थे। पता नहीं कौन खबीस वो रजिस्टर चोरी करके ले गया। अगर ऐसा है तो फिर चोर को पकड़, मुझे वो बंदा चाहिए। किधरी से भी पैदा कर, मुझे वो बंदा ला के दे। नेकों से खजाना लेना है कि नहीं लेना? लेना है, जरूरी लेना है। ले फिर डील हो गई, तू मुझे बंदा ला के दे, मेरे से खजाना ले ले। लेकिन एक बात याद रखनी है, नेके आजकल तेरे पे बहुत गरम है। अगर तूने जरा सी भी तिड़ी बिड़ी की ना, इन्हीं नेकों से तेरे टोटे टोटे करवाने हैं मैंने। और फिर वो जो चपली के ढाबे के बाहर कुत्ते फिर रहे होते हैं ना लूसी, उनको खिला देने। हाँ, कहते हैं कि बेजुबान जानवर का पेट भर के खिलाओ ना तो वो दुआएं देते हैं दिल से। तू भी है उस ग्रुप में? ये तो अच्छा हो गया, अब सुन करना क्या है? उस ग्रुप से ना आउट नहीं होना। मैं जो भी तुझे मैसेज करूंगा ना, वो तूने अपने नाम से उस ग्रुप में चढ़ा देना, ताकि मेरी वाह वाह हो। समझ गया? शाबाश, ख्याल रखो, ठीक है? डॉक्टर साहब, मेरे पप्पू का क्या हाल है, कैसी तबीयत? अब बेहतर है, ट्रीटमेंट चल रहा है। मगर डॉक्टर साहब, उसे हुआ क्या है? हमने अभी टेस्ट वगैरह किए हैं, उसकी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। शाहजी, आप मेरे साथ आते हैं 2 मिनट के लिए? जी। अब आप लोग रुकिए, आप आए। माँ जी बैठे हैं, आप बैठे। जुलेखा, जुलेखा आ जा। हाँ जी। आ जाओ। सलाम माँ जी। वालेकुम। लो माँ जी, आपके गोल्डन सेब।
मंडी के सबसे महंगे सेब लेके आया हूँ अपनी माँ के लिए। जिंदा रहे मेरा पिता। लो भाई पकड़ो। ओए आ जाओ भी, आ जाओ आ जाओ, लंगो आ जाओ। शाबाश, ध्यान से ध्यान से, ये ऊपर लेके जाओ। चलो शाबाश शाबाश, आराम से आराम से। ओ माँ जी मैं जरा ना एसी लगवा लूँ, वो आजकल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, फैजान पुत्र को तो नींद नहीं आती है। मैं लगवा के आया। शाबाश शाबाश, ले जाओ ले जाओ। अरे बहुत चौड़ी पौड़ी है हमारे घर की, जैसा हमारा दिल है। चल शाबाश शाबाश, चल 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 चलो चलो। उल्टे हाथ उल्टे हाथ, ये छोटा दरवाजा खोल खोल। शाह जी कुछ चाहिए हो तो बताइएगा, मैं जाग ही रहा हूं। खाना? हाँ जी आप। नहीं पुत्र, वो अस्पताल में जो फ्रूट चार सी तुमने खिलाई थी ना, मैं तो बेटा उसी से रज गई थी। तुम खाओ जाओ, सलामत रहो। माँ जी आप जाके आराम करें, मैं हूँ पप्पू के पास। पुत्र तू भी तो आराम करना, पता नहीं कब से जाग रहा है। मैं कर लूंगा आराम। बग्गे जी शाह जी, माँ जी के सोने का बंदोबस्त करो, चाहे आप। अच्छा मेरा पुत्र, ध्यान करिए अपना भी और पप्पू का भी। चल आइए माँ जी। जाए नहीं जाता बेटा, मैं इधर ही हूं तेरे पास। मुझे डर लग रहा है। सद के जाओ, क्यों डर लग रहा है? मैं हूं ना तेरे पास। अब्बा यही सो जाए। अरे माँ सद के इधर ही सो जाता हूं। ये लो, इधर आओ मेरा बेटा मेरे पास। अल्लड़ बल्लड़ पावेगा, बावा कनक ले आवेगा, बाबी बहके छट्टे की, 100 रुपया बटेगी, 1 रुपया खोट ओदा लिया दा लोटा, लोटे बिच पानी, मां तेरी रानी, यो तेरा राजा। बिल्किस, बिल्किस जी, ये माजिद किधर है? माजी वो उसका दोस्त है ना फरहान, उसके घर गया है, आज वहीं रुकेगा। बिल्किस बेटे का ख्याल रखा कर, ये आजकल के लड़कों का नहीं पता होता कि ये क्या करते फिरते। माजी मैं जानता हूँ जी, वो उसके बाप को आता रहता है मेरे पास। ये ना जी बिल्किस को पता है, काफी दिनों से जोड़ रहा था, सोचा था आपको हज पे भेजूंगा। हमारा ख्याल था हम दोनों भी आपके साथ जाएंगे, मगर कोई नहीं, जो अल्लाह को मंजूर, हालात ही नहीं है ऐसे तो। क्यों
क्या हुआ पुत्र हालात को? समझ नहीं आ रही है माँ जी, खारा वार ठप हो गया जी, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पहली बार हुआ है ऐसा जी कि माल पड़े पड़े एक्सपायर हो गए। मैं जितना सस्ता कर सकता था ना जी, मैंने सस्ता करके देख लिए। अब नए माल के लिए पैसे ही नहीं है। चलो मैं फर्ज करें उधार पे उठा भी लूं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि माल निकल जाए? पुत्र ये है ना, इन्हें इस्तेमाल कर। नहीं 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 बाजी, ये तो आपके हैं, बड़ी मुश्किल से जोड़े हैं। सोचा था जब पूरे होंगे ना तो फिर आपको दूंगा। अभी इसलिए दे रहा हूं कि यहां पड़े रहेंगे ना जी तो लग जाएंगे। अभी पूरे नहीं है, कुछ कम है। आप वो शिवान से कहना ना जी, माशाल्लाह उसके पास तो बहुत है, वो कर देगा। तो पुत्र फिर तू क्या करेगा? मैं सोच रहा हूं गाड़ी बेच दूं। गाड़ी? कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। आए तो माई चेक किए ठंडी हवाएं, ऐसा नहीं लगता जैसे बंदा बर्फ की सिल पे बैठ गया। और मैंने कहा बिल जितना आना है सो आना है, वो इस गर्मी से तो जान छूटे हमारी। ए सुलेखा, बिस्तर की चादर नवी आई है? अल्लाह दसम, एक चादर? मैं तो बहुत सारी चादरें लेके आई, बल्कि पर्दे भी नए लेके आई हूँ, सिलने दिए, सारे बदल दूंगी। ले, मुझे पता ही नहीं चला। आप हमारे पास ऊपर आए अम्मा तब ना, आप तो अपनी उस प्यारी बड़ी नूह के पास बैठी रहती हैं। नहीं पुत्र, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती ना घुटने के दर्द की वजह से। ओ माई, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके पुत्र ने आपके लिए इस घर में लगवा देनी है लिफ्ट। बटन दबाओ माँ जी ऊपर, बटन दबाओ माँ जी नीचे। पुत्र अल्लाह तेनु होर दवे। आमीन सुमा आमीन। ओ माँ जी जरा इधर ते तको, 1 2 3, तीन तीन कैमरे वाला फोन है आपके बेटे के पास। बड़ा महंगा है अम्मा, लाखों रुपए का आता है, तो बंदा क्यों ना खर्च करे? जब अल्लाह ताला इतना पैसा दे तो खर्च करना चाहिए। अब अभी बल्कि इसकी तरह पैसे जोड़ जोड़ के कंजूसियां करना, ये भी तो ना शुक्री है ना। चलो अब तो उनके हालात अच्छे नहीं, लेकिन जब उनके हालात बहुत अच्छे थे हमारा भी हक मारते थे। और तो और इतने सालों से देख रही हूँ, वो एक गंदे मैले कुचैले पर्दे, जरा भी स्लीका नहीं है बड़ी पापी को। ओ छोटे बड़ा सुलेखा, क्या हो गया तुझे, पुरानी बातें लेके बैठ गई हो तुम। माँ जी आप तैयारी पकड़े, अगले हफ्ते आपने मेरे साथ हमीद पाइन के घर जाना है। क्यों खैरियत? माँ जी आपका बेटा अल्लाह के फजल से नई गाड़ी खरीद रहा है। मैंने कहा नई गाड़ी खरीदते सबसे पहले ससुरालियों के गेट पे जाके नवी गड्डी का हॉर्न बजाना। पा याद नहीं है भाई नमीद कैसे शोखियां मारते थे यहाँ पे अपनी गड्डी पे जब आते थे? रहन दे, पीछे ही ना पड़ जाया करो। तो बहुत चंगी गल है शबान, हो रमजान भी अपनी गड्डी बेचने का सोच रहा है। ओ
नहीं नहीं अब हाजी, मैंने नई गाड़ी लेनी है और आप यकीन करें पा इनकी गड्डी जो है ना वो खरीदने के काबिल नहीं है ना। नहीं मैं इसलिए नहीं बता रही, वो पुत्र रमजान तेरा बड़ा भाई है, आजकल उसके हालात ठीक नहीं है। तुम दोनों भाइयों के दरमियान में कितने भी मसले हो पर हो तो आखिर भाई ना, अल्लाह का निजाम है। पुत्र मैं यही बात करने आई थी कि अपने भाई की मदद कर दे, जवान बच्चे हैं उसके, इस उम्र में वो दवाइयों पे लग गया है, हड्डियों की मुट्ठ बन गया है, नहीं देखा जाता मुझसे। मैं ऑन करने लगा हूं, करूं करो। नमस्ते। ये लोगों को कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? नहीं समझ में तो आ रहा है, लेकिन जिस सोच को बनने में इतना वक्त लगा है उसको बदलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन कल तो फिर भी कुछ लोग हमारी सपोर्ट में थे, आज तो बिल्कुल ही ये देखें। नहीं मुझे लगता है कि वो आज भी हमारी सपोर्ट में है, लेकिन वो ना मेजोरिटी के डर की वजह से खामोश है। कि मुझे लगता है कि हमारा सामना जो है ना वो इस वक्त तीन तरह के लोगों से है। नंबर एक, जिनको समझ आ गई है लेकिन वो किसी डर या खौफ की वजह से खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे। नंबर दो, इनको थोड़ी थोड़ी समझ आई है लेकिन वो जाहिल हैं और वो अपनी सोच पर बसद हैं, वो नहीं बदलने वाले। यार जो हमारे लिए अहम है ना वो है पहली तरह के लोग। अगर किसी तरह हम इनका डर खौफ खत्म करने में हो जाएं कामयाब तो ये बोल पड़ेंगे, और उसका असर पता कहां पड़ेगा ये बाकी दो तरह के लोगों पे। यही है सॉल्यूशन। लेकिन हम इनका ये डर किस तरह खत्म करेंगे? ये है ना मिलियन डॉलर क्वेश्चन। डर का खेल है जानी, डर का। चलो एक और आ गया, अननोन नंबर से प्राइवेट विंडो में खोलो। ये तो ये खोल खोलो। ये हाँ हाय, यू विल बी ट्रैक डाउन फ्रॉम योर फोन नंबर्स लोकेशन, शिफ्ट योर टारगेट ऑडियंस फ्रॉम दिस ग्रुप टू द सोशल मीडिया पेजेस ASAP. Links, IDs and passwords are given below. All the best. मतलब कोई हमारी मदद करना चाह रहा है? I think so. लेकिन यार ये इतनी इंग्लिश में जीवन नगर का कोई बंदा तो नहीं हो सकता। Do you think? आपकी बात ठीक है, बल्कि आपकी सारी बातें ठीक हैं अम्मा। अम्मा याद है जब हमारे दिन माड़े होते थे, मैं आती थी ना तेरे पास, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी,
वो लोग हमारा हक मारते थे। अम्मा तूने कभी बड़े पायने जाके कहा कि शबान के हालात माड़े हैं, उसकी भी औलाद है, उस पे तरस करो, उसकी कोई मदद कर दो। ओ सुलेखा चुप कर। क्यों चुप करूं मैं, नहीं करती मैं चुप। सब कुछ अम्मा तेरे सामने हुआ ना, सारा कुछ देख रही थी ना। शबान ने अपना कारोबार किया, अल्लाह ने बरकत डाल दी, हमारे दिन फिर गए, उनके दिन माड़े हो गए। पूछ क्यों? शबान की वजह से। मैं तो पहले भी रोती थी अम्मा, कहती थी सारी मेहनत शबान करता है। ओ ज़ुलेखा मैं बोल रही हूं ना, सारी मेहनत शबान करता है, और हमें इसका सिला कभी नहीं मिला। अब तो खुद ही बता, अब बड़े पैन पे पड़ी है, उसके अपने सर पे पड़ी है, तो लग पता गया ना, आ गई ना सारी समझ। क्यों चुप कर जाऊं? कहा ना चुप कर, और जिस बात का पता ना ना हो बोलते नहीं है। माँ जी देखो, किसी और का कसूर नहीं है माँ जी, सारा कसूर पायन का अपना है। आज जो पायन के कारोबार के हालात हैं, वो पायन की अपनी वजह से है। अद्दे जीवन नगर को तो वो नाराज कर बैठे हैं अपनी जिद की वजह से। काकू को सौदा ही नहीं देते, मोड़ देते हैं अना के आगे, खत्म। अब आप ही बताओ माँ जी, ऐसे कारोबार चलते मैं क्यों लदा हुआ? इसी वजह से। पर आप कनक, वो आज भी मेरा बड़ा भाई है, मुझे लाख बुरा कह ले मैं फिर भी उसकी इज्जत करता हूं। शबान चुप। माँ जी आप फिक्र ना करो, आप जैसा कहोगे मैं हाजिर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आ भी पुत्र आजा। काम बढ़िया हो गया वैसे ये है। हाँ ठंड पड़ रही है दादी है? हाँ बैठ इधर बैठ। नहीं मैं नहाना है जरा। ले दादी आज तो वैसे चांद ही निकल आया है, हमारे कमरे में आ गई हूँ है। अबू जी प्लाट की 6 किस्तें जो है ना वो जमा करा दी हैं। वो था ना पार फी का प्लाट नुक्कर वाला, मेरे दिल को लगता था जो, उसका भी एडवांस बयाना दे दिया मैंने, ठीक हो गया। तो उसकी जो फाइल है ना वो पड़ी है इस बैग में, तो इसको बड़े ध्यान से ना अंदर जो कोड वाली सेफ है ना उसके अंदर रख देना। हालात आजकल ना बड़े ख़राब हैं, पता थोड़ी होता है। वैसे फजान अंसारी के कार को कोई देख तो नहीं सकता, लेकिन लोग बड़े जालिम हैं जी। गर्मी बड़ी हो गई है आज। माँ जी आप ये सेब खाएं? वो नहीं, केला खिला। अस्सलाम वालेकुम गुरुजी। अस्सलाम वालेकुम गुरुजी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम गुरुजी। अस्सलाम वालेकुम। गुरुजी ये पप्पू है ना? हाँ ये वही पप्पू है जिसका मैंने तुम्हें बताया था। किसका बच्चा है गुरुजी? हमारी तरह इसका भी दुनिया पे कोई नहीं है। एक हादसे में बेचारे के माँ बाप मर गए थे, अब अम्मा फरीदा पाल रही है इसे, मुझे अब्बू कहता है। कितना मासूम है, और इसके बाल देखें कितने प्यारे से है ना। हाँ शुरू शुरू में मुझे अच्छा नहीं था लगता, आके मुझे चिमटता था तो मैं कहती थी दफा दूर, अब मुझे प्यारा लगना शुरू जो इतना क्यूट ही चाहूँ। गुरुजी हुआ क्या इसे? बस इसे किसी ने, तबीयत खराब हो गई है इसकी। अम्बो जी सदके, ये देख सारी तेरा पता लेने के लिए आई है। ये नीलो बाजी है, ये पायल बाजी, मैंने ना मैं पलक, और मैं बबली। हाँ ये पूछ रही थी कि क्या हाल है पप्पू का, मैंने कहा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, मगर दवाई खाएगा तो फिर। हाँ दवाई खाएगा तो फिर ठीक होगा पप्पू। दवाई खानी पड़ेगी तुम्हें।
खाएगा ना मेरा बेटा? हाँ सदके जाओ। पानी पानी माँ सदके मैं पानी देती हूँ। चला जा उठ। क्या हाल है? अबू फाइलबाजी कितनी प्यारी है। हाँ बातें सुनिए बच्चे। अबू तू तो मुझसे भी ज्यादा प्यारा है। अबू सर में दर्द हो रहा है। मैं सदके जाऊं मैं दबा देता हूँ। हाय मैं दबाती हूँ ना गुरुजी। शाजी मैं दबाती हूँ ना शाजी। माँ जी आप उठ गई हैं? हाँ पुत्र मेरी आंख खुल गई थी। मैंने सोचा मैं पप्पू को देख लूं लेकिन लगता तू तो सारी रात नहीं सोया। माँ जी बस ये बार बार उठ रहा था ना इसलिए फिर ऊपर से ये सारी आ गई। इनको जानती है ना? हाँ पुत्र मुझे सलमा ने बताया था। कैसा लगा तुम लोगों को जीवन नगर? जी बहुत अच्छा। तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। तूने रात को भी कुछ नहीं खाया मेरा पुत्र। नहीं रहने दे। चाय बनाती हूँ ना तेरे लिए। नहीं माँ जी मैं किसी को कह देता हूँ वो बना देता है। नहीं मेरा पुत्र बच्चों को सोने दे कोई बात नहीं मैं बनाती हूँ ना तुझे काय है। माँ जी मैं बना के देती हूँ बहुत अच्छी चाय बनाऊंगी मैं। लेकिन पुत्र तुम तो मेहमान हो। अच्छा चले मिल के बना लेते। आ जाओ आ जाओ। पप्पू से देखो जरा कितनी खिदमत करवा रहा है। अरे बहू भाई आप कैसे? कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। आप इधर कैसे? अंदर चल बताता हूँ। हाँ हाँ तूने तो पूरी लेबोरेटरी बना ली है। अरे और काम कैसा चल रहा है? बस चल रहा है सर आप बताएं। ये ले। किन लोगों के लिए काम कर रहा है आजकल? बस वही जिनके लिए पहले कर रहा था। कोई पैसे वैसे बन जाते हैं? थैंक्स टू यू बाबू भाई आपने एक ऐसे नेकी के काम में डाला है कि अब तो डर लगता है। बल्कि आपको कहने वाला था कि दुआ करें कि फाकों के दिन ना आ जाए। मेरी हालत देखो यार कम से कम मुझसे तो बेहतर ही हो। छोड़े बातें कॉफी पी स्पेशली आपके लिए बनाई है स्ट्रॉन्ग वाली। कैसी है? बकवास। बाबू भाई आप नहीं बदले। ये नया सॉफ्टवेयर आया? जी बाबू भाई ये एक नया सॉफ्टवेयर आया और इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि बंदा जहां मर्जी हो जमीन के अंदर भी हो और उसका मोबाइल ऑन हो बस लोकेशन का पता चल जाता है। ये देखें इंटरेस्टिंग है ना। इस पे मैं काम कर रहा हूं इसके फीचर्स पे मैं काम कर रहा हूं। सलमा ने मुझे बताया था कि बब्बर पुत्र ने तुम्हें रफीक के मकान पर ठहराया था पर ये नहीं बताया पुत्र कि तुम लोग कहां से आए हो। बहरामपुर से आए हो? जी माँ जी बहरामपुर से ही तो आए हैं। असल में हमारी वहाँ जान को ना बहुत खतरा हो गया था इसलिए फिर शाह जी ने मैं यहाँ पनाह दी। अल्लाह लंबी हयाती करे मेरे पुत्र की। इंसान के रूप में फरिश्ता है मेरा पुत्र और एक वो कमीना पलस्तर बेगैरत कहीं का मेरे पुत्र को गोलियाँ मार के गया और मेरा पुत्र उसी के इलाके के लोगों की जान बचा रहा है। जी बिल्कुल। भला तुम जैसे मासूम लोगों से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? वही तो हमें भी ये बात समझ में नहीं आती भला हम मासूमों से सबको क्या तकलीफ है। सबको क्या मतलब यहाँ भी किसी ने कुछ कहा है? अरे नहीं नहीं माँ जी अल्लाह ना करे यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं।
अब तुम लोग ना जीवन नगर में आ गए हो। बब्बर पुत्र की तो मैं माँ हूँ ही, अब मैं तुम सब की भी माँ हूँ इंशाल्लाह ताला। मुझे बताना अगर किसी ने कुछ कहा तो, ठीक है? जी ठीक है। रुक 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 रुक, थोड़ा पीछे कर। एक सेकंड। ये इसको इसको बड़ा कर, इसको जूम करना। जी जी अब सही। यही है, यही वो गाड़ी। इसकी नंबर प्लेट क्यों नहीं नजर आ रही? बाबू भाई मुझे ऐसा लगता है जो कैमरे की दूसरी वाली साइड है ना वहां से नजर आ जाए। चेक करो। मैं करता हूं। नहीं हो रही। इस गाड़ी का मालिक कौन है, किसके नाम पे, इसकी लोकेशन सब मालूम करवाना है। कोई बंदा है? इस वक्त मुश्किल हो जाएगा बाबू भाई। कल? कल हो जाएगा। ठीक है सुन, इस गाड़ी की लोकेशन 16 से 22 तारीख के बीच, और उससे पिछला भी कोई लोकेशन का डाटा हो सारा का सारा मंगवा ले कल के कल। मैं पता करता हूँ, सारा डाटा कलेक्ट करके ना आपको कॉल करता हूँ। शाबाश। आप कितने हसी आप खुद भी नहीं जानते। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।